जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के नए संसद भवन का निर्माण कार्य काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब ये निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अब बारी है इस संसद भवन को राष्ट्र के नाम सौंपने की। तो आपको बता दें कि आने वाली 28 मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री इस संसद भवन को राष्ट्र के नाम सौंपने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है। गौरतलब हो कि नए संसद भवन में 4 मंजिला में मंत्रियों और पार्टियों का ही नहीं सांसदों का भी अपना कमरा होगा। पुराने संसद के मुकाबले इसमें सब कुछ बदला नजर आएगा। संसद से जुड़े मार्शल और कर्मचारी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की डिजाइन की हुई नई वेशभूषा में नजर आएंगे। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। अब इस नए भवन में करीब लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था, जो कि अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए द ग्राउंड न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।